कैसे लीक हुआ था नीट का पेपर, कैसे 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिल गया था नीट का पेपर। और इतना ही नहीं, नीट स्कैम कैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा के छात्रों ने हजार किलोमीटर दूर गुजरात में मंचा सेंटर कैसे ले लिया। 30-30 लाख रुपए में जिन छात्रों ने नीट का पेपर खरीदा था वो परीक्षा में हूबहू कैसे आया। और एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे आए। नीट में 0.001% भी गड़बड़ी कैसे हुई। पहले तो कई स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया, दूसरे समय की कमी से ग्रेस अंक दिए गए। जो 720 में से 720 लाए हैं, ये एक ही शहर के एक ही सेंटर से थे। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीती होगी जब कोई 16-17 साल के स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके साल भर तैयारी करते हैं और एग्जाम देने के बाद पता चलता है तो पेपर तो लीक हो गया। बेकार हो गया भाई साहब, पेपर लीक हो गया भाई। प्री मेडिकल नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट ने इस साल दिया है, और वो कौन लोग हैं जो भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं। हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर प्रेशर रहता है, कंपटीशन बहुत टफ है, देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है। और अब सीटों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएंगी देश के फ्यूचर के लिए। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से कंडक्ट कराना, ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। 5 मई की इस खबर को देखिए। 5 मई के सुबह टेलीग्राम पर पर्चा मिलता है और फिर उसे 20 से 25 छात्रों को रटाया जाता है। छात्रों ने कबूला कि जो रटाया परीक्षा में हुबू आया। बिहार पुलिस ने लीक से जुड़े माफिया और छात्र छात्राओं को पकड़ा, सॉल्वर भी पकड़े, जले हुए प्रश्न पत्र जब्त किए। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने छात्रों से 33 लाख रुपये लिए थे नीट पेपर के लिए। बिहार, झारखंड, ओडिशा के छात्रों ने हजार किलोमीटर दूर गुजरात में मंचा सेंटर कैसे चुन लिया। जय जयराम स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के लोगों ने 30 लोगों की सूची बना रखी थी और एग्जाम में ओमार शीट भरने की फुल तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस की मदद से पूरा सिस्टम पकड़ा गया। NTA सीट का ऑर्डिनेटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास 2.30 करोड़ रुपए के 16 ब्लैक चेक मिले थे जिन्होंने पुलिस ने जब्त कर लिया। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के परीक्षा केंद्र हरदयाल पब्लिक स्कूल के 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। NTA ने पेपर लेट बटने के चलते समय खराब होने से उन्हें ग्रेस मार्क दिए, लेकिन विरोध के बाद NTA ने माना कि ग्रेस अंक देने का सिस्टम गलत था। छात्रों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद ग्रेस मार्क्स वापस 1963 छात्रों की दोबारा परीक्षा का फैसला लिया गया। अब जरा इस खबर को देखिए। हजारीबाग में कमरे में मिले नीट के जले हुए पेपर जिनमें से 76 सवाल हूबहू मैच होते हैं। हजारीबाग में OCS स्कूल में भी परीक्षा से पहले लीक हुआ था नीट का पेपर। दरअसल जिस बुकलेट नंबर 61-36-48 का पेपर पटना में नकल माफिया के व्हाट्सएप पर आया था, वो बुकलेट उसी स्कूल में मिला था। अब तक इस केस में बिहार से 13, झारखंड से 8 और महाराष्ट्र से 2 और गुजरात से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक देखने को मिले हैं जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब्स सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। इतनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, इस बार लीक्स को लेकर इस बार भी देखने को मिले हैं और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। जब 4 जून को नीट एग्जाम रिजल्ट सामने आए तो अनविलीवर्स देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम से कहा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसको रोक दिया था। ब्रेक इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नीट UG का एग्जाम ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएशन। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम है। देश में कराए जाने वाला इकलौता ऐसा एग्जाम। इससे पहले AIPMT का टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन जब वो होता था तो कई सारे मेडिकल कॉलेज और स्टेट के अपने अपने अलग प्री मेडिकल एग्जाम होते थे। इन सभी एग्जाम को एक एग्जाम में रिप्लेस करने के लिए नीट को इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। शुरुआत में कई सारे स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था।
इसलिए कई सालों का समय लग गया और 2016 में जाकर ही पहला नीट एग्जाम कंडक्ट कराया गया। पहले 3 सालों के जो नीट एग्जाम थे उन्हें ओवरसी किया गया था CBSE के द्वारा, लेकिन 2019 के बाद से इन एग्जामों को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है, नवम्बर 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था। हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, एग्जाम कंडक्ट कराते वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस एग्जाम को लेकर, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। आज लोगों का सारा गुस्सा NTA की ओर देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम इस एग्जाम के कंडक्ट होने से पहले ही शुरू हो गई थी। 9 फरवरी 2024 को NTA एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन करी और 1 महीने तक का समय दिया गया। डेडलाइन थी 9 मार्च रजिस्टर करने की, जो कि नॉर्मल है। 1 महीने तक का समय दिया गया था, लेकिन 9 मार्च को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया डेडलाइन को। अब यह भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में इतने मगन हो कि वो इस 1 महीने में रजिस्टर करना ही भूल गए। उनके लिए 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दी डेडलाइन। 1 महीने बाद और 9 अप्रैल को फिर से रजिस्ट्रेशन लिंक खोला गया। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेट होल्डर रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद एक बार फिर कन्वेक्शन विंडो दी गई। 11 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी, इसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 5 मई को इसके बाद भी ढेर सारी पेपर लीक्स की खबरें सामने आती है, अलग अलग स्टेट से, कभी गुजरात से, कभी बिहार से, कभी उड़ीसा से। लेकिन असली मजाक शुरू होता है 4 जून को, जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। नीट एग्जाम एक MCU एग्जाम है, जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आउट ऑफ 200 में से 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, हर गलत जवाब के मिलते हैं -1 मार्क्स। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क जो पॉसिबल वह 720 है। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, 720 आउट ऑफ 720 सबको सब ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है दोस्तों। NTA को लेकर 3 कारण बताएं। पहला, ऑफिशियल ने उनके कहा कि इस साल का एग्ज़ाम काफ़ी आसान था, इसलिए इतने सारे लोगों ने टॉप कर दिया। लेकिन जब स्टूडेंट और एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने से पहले एक्चुअली में इस साल का एग्ज़ाम तो बहुत टफ था, वे कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वे नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, NTA ने कहा कि इस साल का जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वे कई ज़्यादा थे, 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए 2023 के कंपेरिजन में, तो क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट थे इसलिए नेचुरल हायर स्कोर देखने को मिलेगा। तीसरा कारण सबसे इंटरेस्टिंग है, NTA ने कहा कि इतने सारे रैंक 1 इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, 50 में से 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सर्किट में कुछ गलतियां थी और बाकी 6 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम रिलेटेड इशू की वजह से। जब NTA से पूछा गया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, तो उन्होंने कहा कि कई पेटिशन फाइल की गई थी नीट 2024 के कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सामने। उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम देखने को मिला, तो इसकी वजह से NTA मार्क्स दिए गए और ग्रेस मार्क्स देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट NTA पर ओमार सीट में हेर फेर का आरोप लगाया। अब तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका में नीट फर्जीवाड़ा की जांच CBI और ED को सौंप दी गई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 43 याचिकाएं आ चुकी है। इन सारी प्रॉब्लम्स के सबूत आ जाने से पहले ही रिजल्ट को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये कोई रैंडम 10 दिन नहीं थे। उसी दिन नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट को अनाउंस्ड किया गया, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट भी आए, 4 जून का दिन, जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शन को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में ये एक स्कैम को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, सवाल बहुत सारे हैं। और अब यह तो सुप्रीम कोर्ट भी NTA से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द स्टेट ऑफ एग्जाम हैज बीन अपफेड सो वी नीड आंसर। मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव, पार्लियामेंट में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का वादा किया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ा मेडिकल कॉलेज से जुड़ गए 8 छात्रों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ में बताया कि एक छात्र को डेमी अभ्यर्थी
को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल से 60 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और फिर सीबीआई ने चारों आरोपियों को पटना ले गई। 29 जून को संसद में नीट कांड को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने नीट में धांधली और एंटी की विफलता सारी चीज़ों पर अभी भी जवाब देना बचता है। इकट्ठे होकर इसी तरह से आवाज़ उठाते रहिए और याद रखिए अपनी उम्मीद कभी मत खोना।